डाबर इंडिया ने अपनी एसआर पहल के तहत इस हिस्से के रूप में मंगलवार को स्वास्थ्य सत्र का आयोजन उदयनगर नागपुर में किया। खिलाड़ियों का स्वास्थ्य और व्यक्तिगत देखभाल बरकरार रहे और छात्रों को स्वास्थ्य के संबंध में उचित मार्गदर्शन प्रदान किया जा सके, इस उद्देश्य से डाबर इंडिया द्वारा इस सत्र का आयोजन किया गया। इस स्वास्थ्य सत्र का आयोजन उदयनगर के विजन स्पोर्ट एकेडमी सुबेदार हॉल यूनिवर्सिटी ग्राउंड में किया गया, जहां नागपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष दीपक वानखेड़े, डाबर इंडिया लिमिटेड के कम्युनिकेशन मैनेजर कॉरपोरेट दिनेश कुमार प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। स्वास्थ्य सत्र के दौरान छात्रों का स्वास्थ्य के संबंध में उचित मार्गदर्शन करते हुए डॉक्टर मुलक ने बताया कि आजकल बच्चों को जंक फूड खाना बेहद पसंद होता है, पर यह उनके स्वास्थ्य के लिए उतना ही खतरनाक भी है, जिसके चलते छात्रों के इम्यून सिस्टम पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। सर, सध्या असं अनुभव असत आहे की मुलांमध्ये फास्ट फूडचं प्रमाण वाढत चाललं आहे, पण आपण जर फास्ट फूडचे कंटेंट्स बघितले तर ते बॅलन्स्ड डाएटच्या कक्षामध्ये बसत नाही, त्यामुळे खूप फास्ट फूडवर अवलंबून राहावं, याच्यामुळे मुलांच्या न्यूट्रिशनवर फरक पडू शकतो सर, आणि म्हणजे एकंदरीतच त्यांच्या डेव्हलपमेंटवर फरक पडू शकतो, त्यामुळे खूप फास्ट फूडवर अवलंबून न राहता आपण बॅलन्स्ड डाएटवर कॉन्सन्ट्रेट करावं, असंच मी स्पोर्ट्स पर्सनला सांगितलं आहे। आज फास्ट फूड आपलं एकंदरीत शरीरासाठी खूप चांगलं नाही आहे सर, यामध्ये कार्बोहायड्रेट्सचं प्रमाण खूप असतं, म्हणजे कार्बोहायड्रेट्स आपल्या शरीरामध्ये एनर्जी देण्यासाठी सगळ्यात महत्त्वाचा घटक आहे, म्हणजे एका कार्बोहायड्रेटच्या एका कॅलरीनुसार आपल्याला 1 ग्राम कार्बोहायड्रेट नंतर आपल्याला 9 कॅलरीज मिळू शकतात, त्यामुळे हे जे प्रकार आहे त्यामुळे मुलांना इन्स्टंट एनर्जी मिळते आणि त्यांना जे पण त्यांचे नीड्स आहेत दिवसभरातले ते पूर्ण करण्यासाठी त्यांना फायदा होतो। इम्यून सिस्टम को स्वस्थ रखने और तेजी से शारीरिक विकास के संबंध में जानकारी देते हुए डाबर इंडिया के CSR कॉरपोरेट कम्युनिकेशन हेड व्यास आनंद ने बताया कि डाबर वीटा, जो कि एक आयुर्वेदिक औषधि है जिसमें 30 से भी ज्यादा आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स है जो शारीरिक विकास के साथ साथ इम्यून सिस्टम को भी बेहतर बनाते हैं। डाबर वीटा जो है वो एक आयुर्वेदिक औषधि है, इसमें 30 से ज्यादा आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे अश्वगंधा, गिलोय, आंवला, तो जो आपके शारीरिक विकास के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो इसमें कोई सब ये कम्प्लीटली नेचुरल है, कम्प्लीटली आयुर्वेदिक है, तो इसीलिए इसका सेवन जो है ये आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है, आपको और एक्टिव बनाता है। सर, ये च्यवनप्राश है जैसे डाबर का, बट इस एरिया में जो माल्टेड फूड बेवरेज जिसे कहते हैं एनर्जी ड्रिंक वाले, इस एरिया में ये पहला प्रोडक्ट है डाबर का, वैसे हमारा च्यवनप्राश भी है। NBC न्यूज़ के लिए राजकुमार मोहड़ के साथ अक्षा अंसारी की रिपोर्ट।